जय हिंद। ऐसा मैसेज आपको आया होगा, नहीं आया है तो आ सकता है, और ऐसा मैसेज लगभग बैंक ऑफ इंडिया या किसी भी बैंक में अकाउंट है तो ऐसा मैसेज सभी को आता ही है, मतलब 90 से 95% लोगों को आता है। इसका क्या मतलब होता है और क्यों आता है और इसके नुकसान क्या, अगर आया है तो ये आपको एक तरह से वार्निंग है, एक तरह से अलर्ट है, जाग जाइए, सुधर जाइए, इस तरह का कहने का मतलब सीधा बोलो या टेढ़ा बोलो, कुल मिला के यही होता है मतलब। तो बैंक ऑफ इंडिया से जुड़े हुए छोटे मोटे जो भी बड़े प्रश्न सवाल है आपके, सारे पूछिए, आपको सबका जवाब मिलेगा, सभी समस्याओं का समाधान बैंक ऑफ इंडिया से जुड़ी हुई लगभग 90 से 95% समस्याओं का समाधान आपको यही मिल जाएगा। उसके लिए आपको बैंक में गाड़ी उठाकर जाने की ज़रूरत नहीं है, पेट्रोल जलाकर जाने की ज़रूरत नहीं है, समय बर्बाद करके जाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आपको सभी समस्याओं का समाधान यहाँ मिल जाएगा। अब देखिए दोस्तों, ये भाई साहब को ये मैसेज आया है, उन्होंने लिखा है कि बैंक ऑफ इंडिया एवरेज बैलेंस ऑफ अकाउंट नंबर, उन्होंने अपना अकाउंट नंबर लिखा था, मैंने हाइड कर दिया, फॉर 45 डेज ऑफ करंट क्वार्टर इज 310 रुपया 88 पैसा, मेंटेन रिक्वायर्ड ए क्यू बी 30 रुपीज़ 500, टू ऑल चेंज विजिट ब्रांच वेबसाइट फॉर डिटेल्स। अब आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है, आप अगर यहाँ आ गए तो मैं आपको पूरा अच्छी तरह से समझा देता हूँ, 2-4 मिनट निकालिए, वीडियो पूरा देखना और किस किस को ये मैसेज आया कॉमेंट बॉक्स में कॉमेंट करके ज़रूर बताना, और चैनल को सब्सक्राइब कर लो, घंटी वाला बटन जो है उसको भी दबा लो, जी हाँ सब्सक्राइब कर लो, घंटी वाला बटन भी दबा दो। अब देखिए दोस्तों, ध्यान से सुनते रहिए, मैसेज है, उसके बाद मैं आपको नियम बताऊंगा, वो भी क्या है वो भी देखेंगे। ये देखिए BUI एवरेज बैलेंस ऑफ, ये अकाउंट नंबर है किसी भाई साहब का, मान लो ये आपका या मेरा अकाउंट नंबर है। अब इसमें क्या होता है, मिनिमम बैलेंस चार्ज करता है, अगर एक निर्धारित अमाउंट रखी हुई है उससे कम अमाउंट हो जाता है तो चार्ज करता है, लेकिन ये हर महीने कैलकुलेट नहीं होता, बैंक ऑफ इंडिया में 3 महीने का कैलकुलेशन की जाती है। अब 3 महीने मतलब 3-3 महीने का, 1 साल का 4 क्वार्टर में ये गिनती की जाती है, ठीक है, अप्रैल से लेकर जून तक, जुलाई से लेकर जुलाई अगस्त सितंबर तक, अक्टूबर से लेकर दिसंबर तक और जनवरी से लेकर मार्च तक। तो अभी जो क्वार्टर चल रहा है वो 45 डेज उस क्वार्टर में हो गए, मतलब अभी नवंबर में 15 तारीख को 45 दिन हो गए थे, उसके बाद बैंक ऑफ इंडिया ने लगभग सबको मैसेज देना शुरू किया जिनका बैलेंस मेंटेन नहीं था। अब ये भाई साहब है AQB, इसका मतलब होता है क्वार्टरली बैलेंस, ठीक है, एवरेज क्वार्टरली बैलेंस, AQB का मतलब क्या होता है, एवरेज क्वार्टरली बैलेंस। तो एवरेज क्वार्टरली बैलेंस कितना होना चाहिए, 500, आपके अकाउंट में जितना भी पैसा है उन सबका 3 महीने का एवरेज निकालो तो 500 रुपया होना चाहिए। रुको भाई, अभी आप अधूरा छोड़ के चले जाओगे तो मेन काम की चीज़ और भी रह जाती है, वीडियो थोड़ा सा और लंबा होगा। देखिए आप बोलोगे 500 रुपया तो रहते हैं, बैंक वाले तो हमें 1000 रुपया 2000 बोलते हैं, तो सही बोलते हैं, वो भी मैं आपको बताऊंगा किस लिए, ठीक है। तो ये मैं बता रहा हूँ ये भाई साहब के लिए, ठीक है, जी भाई साहब का मैसेज है, ऐसे बहुत सारे भाई साहब लोग हैं, बहन जी लोग हैं, उनको ये मैसेज आता है, 500 इनका मेंटेन होना चाहिए था 3 महीने का एवरेज का, लेकिन 45 दिन का कैलकुलेशन किया बैंक ने तो 45 दिन में इनको कितना मेंटेन है, 310 रुपये 88 पैसा ही मेंटेन है। इस हिसाब से अगर इनका यही मेंटेनेंस रहा, अगर लेन देन नहीं की इस अकाउंट से ये भाई साहब ने, तो इनके अकाउंट से 31 दिसंबर के बाद मिनिमम बैलेंस चार्ज लग जाएगा, मतलब 1 जनवरी को लग जाएगा, और वो कट कभी भी सकता है, ठीक है, जनवरी में भी काट सकते हैं, फरवरी में भी काट सकते हैं, मार्च में भी काट सकते हैं। तो ध्यान रहे, यह कैलकुलेशन 31 दिसंबर तक का है, जो भाई साहब ने मुझे मैसेज किया है उनको मैं बता दूं, और हाँ आप लोग भी देखो, जिन लोगों ने कम मेंटेन नहीं है तो कम से कम 500 रुपया क्वार्टरली में मेंटेनेंस होना चाहिए, मतलब आप इस हिसाब से मान के चलो आपका रोज का, जी हाँ रोज का 500 रुपया होना चाहिए, तो ऑटोमेटिक हो जाएगा, ज़्यादा कैलकुलेशन लगाने की ज़रूरत नहीं है। अभी आप बोलोगे कि 1000 रुपया 2000 का क्या मतलब है, तो दोस्तों वेबसाइट, ये बैंक ऑफ इंडिया की वेबसाइट पे जाकर देखेंगे तो पता चलेगा कि रूरल और सेमी अर्बन के लिए 500 रुपया होना चाहिए एवरेज क्वार्टरली बैलेंस, AQB 3 महीने का 500 रुपया होना चाहिए, और अगर नहीं है तो मिनिमम बैलेंस चार्ज कम से कम 100 रुपया पर क्वार्टर कटेगा ही कटेगा। अगर आपका एनुअल क्वार्टरली बैलेंस 250 रुपये से लेकर 499 रुपये के बीच में है तो 50% चार्ज कटेगा 100 रुपये का, अगर 100 रुपये से 249 रुपये है तो 80% कटेगा, अगर 100 रुपये से कम एवरेज बैलेंस तो 100% चार्ज कटेगा, मतलब 100 रुपये के 100 रुपये कटेंगे। अब ये भाई साहब का देखिए 310 रुपया 88 पैसा एवरेज क्वार्टरली बैलेंस है,
310 रुपये अगर चार्ज काटेगी बैंक तो कितना काटेगी, इसके हिसाब से काटेगी, मतलब 50%, मतलब 100 का 50% कितना हुआ, 50 रुपया हुआ। लेकिन दोस्तों ये इतने के बीच में होगा तो 50 रुपया कटेगा, लेकिन ध्यान रहे ये किसके लिए नियम है, रूरल और सेमी अर्बन जो शहर है डिक्लेयर किए हुए उनके लिए। लेकिन जो शहर मेट्रो है, अर्बन है, मुंबई, दिल्ली, कोलकाता, ये सब शहर हैं, वहाँ पर 1000 रुपया मिनिमम बैलेंस होना ही चाहिए, और वहाँ पर मिनिमम बैलेंस चार्ज कितना है, 200 रुपया है। अहमदाबाद, ये सब शहर, लखनऊ, बड़े बड़े शहर, मेट्रो अर्बन शहर आते हैं, और इसमें भी 500 से 999 रुपये के बीच में अगर एवरेज बैलेंस है तो 50% कटेगा 200 का। अगर 250 रुपये से 499 के बीच में है तो 80% कटेगा। अगर 250 रुपये से कम है एवरेज क्वार्टरली बैलेंस तो 200 रुपये का 100% यानी पूरे 200 रुपये कटेंगे। तो ये ध्यान रखने वाली बात है, एवरेज क्वार्टरली बैलेंस, उम्मीद है समझ में आ गया होगा। समझ में आया है तो थैंक यू बोलो, धन्यवाद बोलो, और लोगों को शेयर करो, मैं भी आपको थैंक यू बोलूँगा। हालांकि थैंक यू नहीं बोलना चाहिए, लेकिन आप थैंक यू बोल दोगे तो मुझे पता चलेगा कि आपको वीडियो पसंद आया। चैनल को सब्सक्राइब कर लो। जय हिंद।